हेलो फ्रेंड्स, सरकारी जॉब बाय राकेश यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आईपीएस ऑफिसर कैसे बने। दोस्तों, हर एक भारतीय का सपना होता है कि वो आईपीएस अधिकारी बने, लेकिन आईपीएस अधिकारी बनना इतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको बहुत ही कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसके अंदर आप देखते हैं कि कई युवा तो पहली बार में ही सफल हो जाते हैं, लेकिन कई बार बार एग्ज़ाम देने के बाद भी सफल नहीं हो पाते। क्योंकि दोस्तों, जो युवा पहली बार में सफल होते हैं वो अपने आप को पूरी तरह से तैयार करते हैं, उसी के बाद वो इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी इसके अंदर पहली बार में सफल होना चाहते हैं तो आप भी अपने आप को एक स्मार्ट तरीके से तैयार करें, उसी के बाद आप इसका एग्ज़ाम दें तो आप इसके अंदर सफल हो सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं, आवेदन कैसे करें, कौन कौन से एग्ज़ाम देने होते हैं, पूरी प्रक्रिया इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। इसलिए आप हमारे साथ शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। साथ के साथ ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन ऑन कर लें। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, किसी भी जॉब को पाने के लिए सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है शख्स की योग्यता की, यानी आपकी क्वालिफिकेशन की। दोस्तों, आईपीएस अधिकारी बनने के लिए आप सबसे पहले 12वीं पास करें किसी भी स्ट्रीम से, उसके बाद आप ग्रेजुएट करें। ग्रेजुएट करने के बाद आप आईपीएस अधिकारी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, आपकी आयु सीमा 21 साल से लेकर 30 साल होनी चाहिए, जिसमें एससी एसटी कैटेगरी के उम्मीदवारों को 5 साल की छूट होती है। दोस्तों, आईपीएस अधिकारी बनने के लिए भारत, नेपाल और भूटान के नागरिक आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो उसके बाद ज़रूरत पड़ती है आपकी शारीरिक योग्यता, जिसके अंदर लंबाई, जो पुरुष उम्मीदवार है उनकी लंबाई 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जो एससी और ओबीसी कैटेगरी के पुरुष उम्मीदवार है उनकी लंबाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जो महिला उम्मीदवार है उनकी लंबाई 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जो एससी और ओबीसी कैटेगरी की महिला उम्मीदवार है उनकी लंबाई 145 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जो पुरुष कैटेगरी के उम्मीदवार है उनका चेस्ट 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। दोस्तों, दृष्टि, आंखों का विजन, जो स्वस्थ आंखों का विजन 6x6 या 6x9 होना चाहिए, और जो कमज़ोर आंखों का विजन है वो 6x12 या 6x9 होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आप आईपीएस अधिकारी पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप आईपीएस अधिकारी पद के लिए अप्लाई कर देते हैं तो उसके बाद में आते हैं एग्ज़ाम, आपको इसके लिए कौन कौन से एग्ज़ाम देने होते हैं। दोस्तों, आईपीएस अधिकारी बनने के लिए आपको दो एग्ज़ाम देने होते हैं, एक प्रीलिम्स एग्ज़ाम, दूसरा मेन एग्ज़ाम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम। इसके अंदर 200-200 अंकों के दो पेपर होते हैं, दोनों पेपर वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के दोनों पेपर होते हैं। दोनों पेपर 200-200 अंक के होते हैं और इनका समय सीमा 2 घंटे की होती है। फ्रेंड्स, जब आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो उसके बाद आता है मेन एग्ज़ाम। दोस्तों, सिविल सर्विस के मेन एग्ज़ाम के अंदर लिखित परीक्षा और इंटरव्यू दोनों शामिल हैं। लिखित परीक्षा में कुल 9 पेपर होते हैं, जिनमें से पेपर ए और पेपर बी क्वालिफाइंग पेपर होते हैं और बाकी अदर 7 पेपर होते हैं वो आपके मेरिट के लिए होते हैं। दोस्तों, लिखित परीक्षा कुल 1750 नंबर की होती है और आपका जो 1750 नंबर की लिखित परीक्षा आप पास कर लेते हैं तो उसके बाद में आपका इंटरव्यू होता है, जो कि 275 नंबर का होता है। इस प्रकार से टोटल 2025 अंकों का एग्ज़ाम होता है आईपीएस अधिकारी बनने के लिए। दोस्तों, जब आप ये लिखित परीक्षा पास कर लेते हैं तो उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। दोस्तों, मेन एग्ज़ाम पास करने के बाद उम्मीदवारों का पर्सनल इंटरव्यू राउंड से गुजरना पड़ता है। जब पर्सनल इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाया जाता है तो यह इंटरव्यू लगभग आपका 45 मिनट तक होता है। उम्मीदवारों का इंटरव्यू एक पैनल के सामने होता है। इंटरव्यू के बाद मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। मेरिट लिस्ट बनाते समय क्वालिफाइंग पेपर के नंबर नहीं जोड़े जाते हैं। दोस्तों, जब आप इंटरव्यू पास कर लेते हैं तो उसके बाद आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। ये लास्ट स्टेप होता है। जो भी चयनित उम्मीदवार होते हैं उनको 1 साल की ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। आईपीएस अधिकारी की ट्रेनिंग मसूरी और हैदराबाद में होती है। पहले मसूरी में होती है, उसके बाद हैदराबाद में आईपीएस अधिकारी की ट्रेनिंग होती है। दोस्तों, इस प्रकार से आप आईपीएस अधिकारी बन सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी।
अगर दोस्तों आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद दोस्तों।